क्या नाम है आपका? अमरीन। अमरीन, लॉकडाउन के बावजूद आप रिक्शा चलाने को मजबूर हो गई, क्या वजह? मेरे पापा फिर से पाइज है, इस वजह से चला रही हूँ क्योंकि हमारे घर में कोई करने वाला नहीं है। तो पांच बहन है और एक भाई है छोटा सा। जब जनता ने हमारी मदद नहीं करी इस वजह से हमने मेट्रो उठाई। कितना दिन हुआ आपको अभी? पाँच दिन हो गया। सरकार की तरफ से भी आपको कोई मदद नहीं है? नहीं आई। जैसे सरकार दावा कर रही है घर घर राशन पहुंचा रही है। जी नहीं, कोई नहीं पहुंचा रही। आपके यहाँ राशन नहीं आया? नहीं आया। तो अब आप ही अपने घर का खर्च उठा रहे हैं? हम ही उठा रहे हैं अपना घर। मोहम्मद आज मोहम्मद यहाँ एक 13 साल की मासूम ही रिक्शा चला रही है। जी हाँ, 4-5 दिन से रिक्शा चला रही है। बेचारी रोती है डेली। यहाँ पे आके हम भी भाड़ा दिलवा देते हैं और जैसे जैसे भाड़ा वोड़ा नहीं मिलता क्योंकि कितना सारा ट्रैफिक है, रिक्शा विक्शा हो रही है, बेचारी को कोई भाड़ा नहीं मिलता। बच्ची है लेकिन हम इसे दिलवा देते हैं। हम भी इसकी मदद कर देते हैं थोड़ी सी, पूरी रिक्शा इसकी बेचारी की भरवा के इसके भाड़े वाड़े इसके घर के खर्चे और से चलवा देते हैं। बतलाती है कि हमारे घर में कोई आप आई है, हमारे पापा आप आई है, 5 हमारी बहन है, 1 छोटा भाई है। कोई करने वाला कमाने वाला नहीं है। कोई सरकार द्वारा कोई राशन कोई कुछ नहीं भेज रहा है। कोई भी महल्ले वाला कोई किसी को नहीं देख रहा। इसी मजबूरन है हमें रिक्शा उठानी पड़ी है। करीबन रिक्शा चलाते चलाते 5 दिन हो गए। 5 दिन से मैं जैसे देख रहा हूँ यहाँ पे कि मैं भी अपना जो भाड़ा है मैं भी रिक्शा चलाता हूँ। जो मेरा भाड़ा होता है मेरे आगे जो इन्हें भाड़ा नहीं मिलता और मुझे मिल जाता है तो मैं अपना भाड़ा भी इन्हें दे देता हूँ क्योंकि मेरे पापा को देख के भी आप आई हैं। इसकी 5 बहन हैं, इनके घर में कोई करने कमाने वाला नहीं है। छोटे छोटे बहन भाई हैं सब।